गाइस देख सकते हैं मनीषा यहाँ उड़ाने की कोशिश कर रही है, इसको पता ही नहीं है कैसे उड़ाना है तो कहाँ से उड़ेगा यार। ये मेरा फर्स्ट टाइम है यार, मुझे इतना लगता है। चलो चलो दो दो दो, अब हम उड़ाएंगे, दो उड़ा के देंगे तुमको। ला ला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे आप सब भाई, आपके सभी को ठीक होंगे? तो गाइस हम लोग भी ठीक है। और आज है 14 जनवरी 2023। तो आज है मकर संक्रांति, मतलब बहुत कोई आज का दिन में मनाते हैं और बहुत ही 15 तारीख को मनाते हैं। और सुनने में आता है, सुनने में क्या, मेरे को बताया जाता है कि खास करके लोग सब पतंग उड़ाते हैं, पतंग बहुत कोई उड़ाते हैं और उड़ाना भी चाहिए बोलते हैं। तो आज का दिन बहुत कोई पतंग उड़ा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग भी सोचा ट्राई करके देखते हैं। फिलहाल मैं लाइफ में कभी भी पतंग नहीं उड़ाई हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट होगा। तो गोलू मेरे लिए पतंग उड़ाने के लिए पतंग एंड जो कुछ भी ज़रूरत का चीज़ होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता पतंग उड़ाने के लिए क्या क्या होता है, कैसे उड़ता है, मुझे कुछ नहीं पता। फिलहाल हवा बहुत ऐसे चल रहा है बाहर में, तो फिलहाल अभी जाएंगे हम लोग छत ऊपर और हम लोग सोच रहे कि वो लोग पतंग उड़ाएंगे। तो गोलू भी उड़ाएगा, मैं भी उड़ाऊंगी। गोलू तो बोल रहा है मतलब बचपन से बहुत उड़ाते थे बोल रहा था, आप उनसे ही पूछ लीजिएगा, उन्होंने ही बताएगा अपने बारे में। फिलहाल मैं तो बहुत कभी उड़ाई ही नहीं हूँ, बहुत क्या, कभी लाइफ में मैं उड़ाई ही नहीं हूँ। तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ इस बार पक्का मैं उड़ाऊंगी करके। तो चलिए मैं अपना ये फर्स्ट एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं पतंग उड़ाने में क्या लगता है, कैसे क्या। तो चलिए आप सब ब्लॉग में कंटिन्यू रहें। तो फिलहाल मैं भी ड्रेस वगैरह भी चेंज कर ली और मैं मेहंदी लगा रही थी, जैसे कि आप सब देखते हैं ये रहा, तो मेरा मेहंदी भी तब तक सूख ही रहा है। तो फिलहाल चलिए फिर पतंग उड़ाने के लिए छत पर चलते हैं। ओके सो गाइस, ये रहा पतंग, देखो। अच्छा इसे मैंने पतंग बोलते हैं, ये ऐसे उड़ता है, इसे उड़ता है गोलू। हाँ सिखा देंगे, सिखा देना। तो ये है पतंग और ये सूता, ये वाला सूता से पतंग उड़ाएगा गोलू। तो ये सूता लेके आया, वो ऐसा ही रखे है पीछे में बांधने के लिए, पीछे बांध। ये भी जरूरत होता है क्या उसको, ऐसा ही एक्स्ट्रा में लिया है यार। ओ ये भी जरूरत होता है एक्स्ट्रा लेकर रखे, इमरजेंसी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अब मैं तो कभी उड़ा ही नहीं, मुझे पता नहीं है, फिलहाल गोलू को पता है, तो गोलू एक्स्ट्रा लेके आया। और ये रहा दो, अच्छा ये तो तार जैसा है ना एकदम, मतलब ये तार उधर ही ऐसा लग रहा है ना, हाँ मछली पकड़ने वाला जो तार होता है, तार नहीं है वो तार नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है छूने से एकदम, देख सकते है उसी से उड़ाएंगे। फिर चलिए ऊपर चलते हैं और पतंग उड़ाते हैं। कन्नी छेद रहे हैं। क्या कर रहे हो? इसका कन्नी छेद रहे हैं, इसको बना रहे हैं, तब ना उड़ाएंगे। अच्छा तो पतंग को उड़ाने के लिए वहाँ पे मतलब उसको कन्नी भी करना पड़ता है क्या? ऐसे थोड़े उड़ता है यार। तो कैसे उड़ता है? दिखा दें कैसे उड़ता है। तो यहाँ पे भी बांध रहा है गोलू पतंग को कन्नी करके, उसके बाद इसमें तार देगा, उसके बाद शायद उड़ेगा हवा में ना। हाँ उसके बाद उड़ेगा। आता है तुमको पतंग उड़ाने? खाली बोलो ना। तो देखा था भी सही, हवा आ मेरा, हवा पा ले पतंग उड़ा है यार, हवा ही बंद हो गया। अभी देख सकते तीन तीन पतंग दिख रहा है एकदम छोटा छोटा उड़ते हुए, ये पता चल रहा है। देखो ये दो दो पतंग, ठीक है उधर एक उधर, देख कौन कौन उड़ा रहा है, कहाँ कहाँ से किसका पता ही नहीं चल रहा है। हो गया। अरे वो गलती से हम पैर मार दिए थे, देखो गोलू पतंग उड़ा रहा है। उड़ गया। अरे 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 अरे, अरे यार वो दू वाला पतंग को मारो यार, ऊपर में जो सबसे ऊपर में, देखो गोलू देखो बेटा पतंग उड़ रहा है, पापा पतंग उड़ा रहे देखो। हाँ बेटा पापा पतंग उड़ा रहे। अरे इस बगल वाला देखो, ये जो ब्लू वाला है ना, बगल वाला मतलब लोग वहाँ पे उड़ा रहे हैं, उसका काटा ना गोलू, आता है ना तुमको काटा। अरे यार ये किसका पतंग है, छोटा वाला काटो काटो, ब्लैक वाला काटो, ये हम लोग का पतंग है ये वाला, ठीक है, और वो ब्लैक वाला काटने का प्लान बना, ये रहा हम लोग का पतंग। का हो गया? हमेशा खाली मुंह खोला रखते हैं, मुंह बंद। आवा बाबा कर दो, आवा बाबा करो, ठिचुम 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 ठिचुम।
ये गाइस, तो फाइनली हम लोग नीचे आ गए और जो भी थोड़ा बहुत पतंग उतंग उड़ाए और मनीषा को भी थोड़ा उड़ाने दिए, वो भी थोड़ा सा उड़ाई, पर उससे तो पतंग ही गिर जा रहा था, ज़्यादा नहीं उड़ा पा रही थी, तो थोड़ा बहुत उड़ाए बस खुशी के लिए। और लटर वटर तो कुछ था नहीं, बस ऐसा ही बस धागे और पतंग से उड़ा दिए। तो चले गए, ये छोटा सा ब्लॉग था बस। अगर आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगे हमारा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, तो आप सबसे मिलते हैं फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ।